नमस्कार, जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक मंदिर में जो कि बाबा रामदेव जी का मंदिर है, और इसको आप लोगों को इसकी ज्यारत भी करवाते हैं। और ये हमारे एक विलेज में मौजूद था, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाते चले। दोस्तों, बाबा रामदेव जी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि बाबा रामदेव जी को ना ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में माना जाता है। वैसे तो पूरा इंडिया और पूरी दुनिया बाबा रामदेव जी को मानते हैं, पूरे यानी कि भगत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुजराती और राजस्थान के लोग मानते हैं, तो हम भी मानते हैं। तो आए, आपको दिखाते हैं जी। तो ये मंदिर जी, छोटा सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये बच्चे आए हुए हैं प्रसाद लेने के लिए भाई। तो मैं जैसे ही आ रहा था ना, तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, तो कुछ बच्चे आए तो उनको भी प्रसाद बांट दिया, और अभी ये बच्चे हैं तो इनको भी देते हैं प्रसाद। ये झंडा लगा हुआ है, ये देखो। तो भाई, तो अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो, इधर भगत आके बैठते हैं भाई। इधर ये बाबे रामदेव का भाई तस्वीर है, फोटो है, ये देखो। ये देखो, ये मेन गेट है भाई। तो भाई, ये है बैक गेट, और इधर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है वहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी हमारे भगवान है, उनकी सबकी फोटो लगी हुई है, शिव महादेव की और माता पार्वती की, गणेश जी की भी तस्वीर लगी हुई है, और इधर भी है छोटे छोटे बहुत सारे फोटो यहाँ पर। ये रामदेव है भाई, ये राम भगवान है, ये हनुमान, ये देखो, ये कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण भगवान, शिव महादेव और हनुमान जी भी है। ये बाबा रामदेव की बड़ी तस्वीर है भाई, ये देखो। ये है जी बाबा रामदेव जी। ये बजरंग बली खड़ा है, ये देखो। ये वाली घंटी, जब हम अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर, इधर हम ये घंटी बजा के फिर अंदर जाते हैं। ये देखो हम अंदर जा रहे हैं भाई मंदिर के। आपको मूर्ति दिखाते हैं अंदर, ये देखो, बाबा रामदेव की मूर्ति है, ये घोड़े पे बैठा है भाई। ये देखो। ये भाई, हम हरचंद भाई बैठ रहा है, ये देखो। तो गाइस, अभी हम मौजूद हैं जी मंदिर के अंदर, और ये एक मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, तो इसको ना यहाँ पर लॉक किया गया ताकि कोई अगर नुकसान पहुँचाना भी चाहे तो नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, क्योंकि शीशे की है दरवाजा, दोबारा खिड़की शीशे का बना हुआ है, तो इसके जरिए यानी कि सब लोग ज़ियारत कर सकते हैं। और अंदर एक खूबसूरत सा बल्ब भी लगाया गया है, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सजाया हुआ मंदिर है, ये देखो, बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ मंदिर। ऊपर भी देख लो कितने लाइटिंग यानी कि अच्छे तरीके से की गई है। तो ये बच्चे आ गए हैं जी, बच्चों को देते हैं प्रसाद। अभी कुछ बच्चों को मैंने बांट दिया था, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये भी बांटते हैं अभी। ये देखो, बच्चे खड़े हैं भाई, इधर देखो, ये देखो, ये यहाँ के पुजारी हैं, पुजारी के बच्चे हैं ये। आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, जगह जगह ले लो, दोबारा ना आवे, देखो पहली बार आया और उड़ गया, ये जो कुछ छोटे छोटे से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से, और इनको भी देते हैं जी। बाबा रामदेव का प्रसाद है भाई, बाबा रामदेव जी का प्रसाद सबको मिलेगा, ये लो, आओ बच्चों। ये देखो भाई, ये देखो गाइस, यहाँ पर ये दीवा रखा हुआ है, और यहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती है, तो ये बना हुआ, और ये पत्थर है मेरे ख्याल में, जो आते हैं ना वो अपने शरीर पर फेरते हैं, आँखों पे फेरते हैं, ये देखो, ये पत्थर है, ये जी जी बाबा रामदेव जी का पत्थर है ये। अगर हम फेरते हैं, कोई जिस्म हो, बीमारी हो, कोई शहर कुछ भी हो, तो बाबा रामदेव जी दूर कर देता है बीमारी, देता है, ये देखो। और ये वाला जो भोग लोग चढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, इधर भी अगरबत्ती जलाते हैं, इसे धूप भी कहते हैं, तो गाय का जो गोबर होता है उसकी पाथी बनाकर ये यहाँ पर आग जलाई जाती है। तो लो कृष्ण भाई, आप भी प्रसाद लें। आप भी लेता हूँ, मैं तुझे भी देता हूँ। बाबा रामदेव जी का प्रसाद है ये, लो भाई मुझे भी दो। तो गाय, ये प्रसाद जो अभी हम ले रहे हैं,
रहे हैं, यानी कि कल्चर को देखने के लिए, हिंदुओं के कल्चर को देखने के लिए पाकिस्तान में कैसा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर ये छोटा सा व्लॉग पसंद आ जाए इसे भी लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके भी बताना है कि छोटा सा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा है। मंदिर जो भगवान का घर होता है ना गाइस, वो कभी छोटा नहीं होता है, बस बनावट में छोटा हो सकता है, मेरा तो यही कहना है। तो कृष्ण अभी बाहर गया था, वो प्रसाद जो था ना वो बांट रहा था, तो वहाँ से प्रसाद बांट कर आया है। और ये जी इधर घंटी जाते हुए बजा सकते हैं और आते हुए भी ऐसे। ये देखो भाई हरचंद भाई घंटी बजा रहे हैं, ये देखो वापस हम बस हम अभी जा रहे हैं घर, फिर कोई लाइक भेजेंगे आपको। अभी मंदिर देख लिया, आप लोगों को भी दिखा दिया है, और अभी हम चलते हैं घर वापस, क्योंकि रास्ते में एक दो और काम भी थे, तो बाहर का जो एरिया है वो भी आप लोगों के पास शेयर। देखो इधर भगत बैठते हैं, मेला लगता है ना जब इधर बैठते हैं, खाना शाना खाते हैं इधर। ये देखो भाई, राम राम भाई साहब, कैसे हो, ठीक हो? तो भाई आपका नाम क्या है? तो आप इधर पास में ही यानी कि रहते हो? अच्छा अच्छा, तो मेहमान आया हुआ है। अच्छा मेहमान आए हो आप, इधर आपके रिश्तेदार बैठे हैं। अच्छा, तो वो यानी कि मंदिर वगैरह संभालते हैं ना? अच्छा, और भी साथ में है। तो भाई ये भी दूर से आया हुआ है, दर्शन करने के लिए आया हुआ था, तो हमने सोचा कि आपकी बात करवा देते हैं। तो बाकी जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पर जितने भी भगत वगैरह आते हैं तो ये चटाई की तरह ये एक बिछाया गया, तो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो गाइस ये एक बड़ा सा गेट यहाँ पर लगा हुआ है और इसे बंद भी कर देते हैं, हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी थी, तो अब हम चलते हैं जी घर वापस। तो गाइस आज का ये व्लॉग इतना सा ही, अगर ये पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।